क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इन्होंने क्या पूछा, इन दी एडजॉइनिंग फिगर पी पहला क्यू फाइंड दी अननोन एंगल्स, यानी कहने का मतलब ये है संलग्न आकृति में ये फिगर देखिए, ठीक है, पी पैरेलल क्यू है और इसमें हमें क्या करना है, जो जो एंगल बना है हमें वही फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं, आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी माइंड लगाइएगा। तो देखिए फिगर के माध्यम से हम बताते हैं, ये पी है और ये क्यू है, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है और यहाँ पे जो अदर लाइन है तो क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, यानी क्रॉस कर रही है। तो चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे गिबन पी पैरेलल क्यू, ठीक है, एंड कट बाय ए ट्रांसवर्जन लाइन, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे दिया है पी पैरेलल क्यू और ये एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये पैरेलल लाइन है, यानी दो लाइन को एक लाइन क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, यानी तिर्यक लाइन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, E की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, चलिए फाइंड करके आपको दिखाते हैं। यहां लिखेंगे देयरफोर, देखिए कितना है 125 है, यहां पे लिखिए 125 डिग्री प्लस करेंगे E को इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है यानी रैखिक युग्म है, तो कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है, 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे रैखिक युग्म, तो देखिए यहां पे E की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां लिखिए E इज इक्वल्स टू, ये कितना है 180 डिग्री, अब देखिए यहां पे साइन नहीं है तो क्या है प्लस में, 125 डिग्री को राइट साइड में भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, यहां लिख दीजिए, अब यहां पे क्या करना है, E की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो यहां लिखिए E इज इक्वल्स टू, अब देखिए 180 डिग्री में से माइनस करना है 125 डिग्री, देखिए यहां जीरो है यहां फाइव है, माइनस तो होगा नहीं, यहां कैरी मिला 10, 10 में से 5 गया 5, यहां कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 1 से कैंसिल, यानी ई की वैल्यू कितना मिल गया हमें 55 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए फिगर के माध्यम से बताते हैं आपको, जब E की वैल्यू मिल गया 55 डिग्री तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल F है, तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री ही होगा, यानी E का वर्टिकली अपोजिट एंगल F है, तो E की वैल्यू कितना मिला 55 डिग्री, तो F का भी कितना होगा 55 डिग्री ही होगा। चलिए यहां लिखते हैं, यहां लिखिए नाउ, ठीक है, E बराबर यानी E इज इक्वल टू F, इज इक्वल टू कितना मिला था E की वैल्यू 55 डिग्री, यहां पे लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे ऊर्ध्वाधर
सम्मुख कोण, ठीक है। हिंदी मीडियम नाउ की जगह पर लिखेंगे यहां पे यहां, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, फिगर के माध्यम से बताते हैं। अब ई से कंपेयर करेंगे ए को, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, देखिए यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ई की वैल्यू हमने 55 डिग्री लाया है तो ए की भी वैल्यू कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंत एकांतर कोण। चलिए यहां पे लिखते हैं, हम यहां लिखिए आल्सो ए इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पे क्या था एफ इज इक्वल टू क्या मिला, 55 डिग्री। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे अंत एकांतर कोण, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे आल्सो की जगह पे तथा। तो देखिए अब तो ए को हमें पता लग गया कितना डिग्री मिला, 55 डिग्री। तो अब देखिए यहां पे फिगर के माध्यम से बताते हैं, अब क्या करेंगे बी का निकालेंगे, तो ए प्लस बी कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर हो जाएगा। चलिए यहां पे लिखते हैं, हम यहां लिखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी लीनियर पेयर। यहां लिखिए, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे रैखिक युग्म, ठीक है। तब क्या करेंगे यहां पे ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री है, यानी ए की भी डिग्री कितनी है 55 और एफ की भी कितनी है 55, तो ए की कितना वाला 55 डिग्री, तो यहां लिखिए ए की वैल्यू 55 डिग्री प्लस है, प्लस कीजिए बी को एडिटी रहने दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन वन था, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, यहां ब्रेकेट हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे समीकरण एक से। तो चलिए बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यहां पे यहां लिखिए बी इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पे इज इक्वल टू मिला 180 डिग्री। अब देखिए 55 डिग्री है, साइन नहीं है तो प्लस में, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में मिलेगा। चलिए बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यहां पे लिखिए बी इज इक्वल टू, ठीक है। यहां देखिए 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री है, तो यहां माइनस करते हैं, यहां जीरो है, यहां फाइव पे माइनस तो होगा नहीं, कैरी मिला 10 में से 5 गया 5, यहां कितना बचा 7 में से 5 गया 2, बचा क्या 1, यानी बी की वैल्यू कितना मिल गया 125 डिग्री। तो देखिए यहां बी की वैल्यू मिल गई, तो फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पे बी की जब वैल्यू मिल गई यहां पे, तो देखिए बी इसका अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, डी, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, बी और डी यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, तो ये भी हमारा कितना कितनी डिग्री का होगा, डी 125 डिग्री का, यानी बी और डी ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए यहां पे लिख कर दिखाते हैं आपको, और यहां देखिए ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना है, सी है, ठीक है,
ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मिला, सी। तो ए की वैल्यू कितना मिला था 55 डिग्री, तो सी का भी कितना होगा 55 डिग्री ही होगा। चलिए यहां पे लिखते हैं, हम यहां पे लिखना है फाइनली आंसर, लिखिए नाउ, ठीक है, ए इज इक्वल टू सी, यानी ए के बराबर सी मिला इज इक्वल टू कितना डिग्री 55 डिग्री, एंड यहां लिखेंगे बी इज इक्वल टू डी, यानी बी के बराबर क्या मिला डी, कितना मिला 125 डिग्री, ठीक है, ये मिला। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे, हिंदी मीडियम लिखेंगे नाउ की जगह पे अब, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के जगह पे लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। अब यहां पे फाइनली आंसर लिखते हैं, लिखिए दज ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितना मिला था 55 डिग्री, बी की कितना मिला 125 डिग्री, सी का कितना मिला 55 डिग्री, डी का कितना मिला 125 डिग्री, ई का कितना मिला 55 डिग्री, ठीक है, एंड एफ का कितना मिला 55 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर है, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।